अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी मोहम्मद खान फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट, दैट इज लेक्चर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3, टुडे इन लेक्चर नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 नेम्ड एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, जनरिकली अगर हम देखें तो आपको जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इट मीन्स कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस को, मार्केटर्स को एनालाइज करनी है, नीड्स को एनालाइज करना है, वांट्स को कस्टमर्स की। वहीं पर बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अपनी इन्वायरमेंट को एनालाइज करें। इन्वायरमेंट से मुराद ये है, जैसे आप अपने घरों में बैठे हैं, आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आपके क्लासरूम में जो आप बैठे हैं उसकी इन्वायरमेंट क्या है, आप किसी कमरे में बैठे हैं, किसी मॉल में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, उसकी इन्वायरमेंट क्या है। इसी तरह मार्केटिंग की भी एक इन्वायरमेंट होती है। वो तमाम अमामिल जो आप पर असरअंदाज होते हैं, या तो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं या आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिसको देखने की ज़रूरत है। डिटेल में हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं इसको। यस, अगर हम आउटलाइन देखें तो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में, इस ओवरऑल हम हमारे जो लेक्चर होगा इसमें हम ये चंद चीज़ें कवर करेंगे, राइट। द कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट, द कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स हैं। एक हमारी माइक्रो है, जो माइक्रो लेवल पे ऑपरेट करती है, छोटे लेवल पे ऑपरेट करती है, जिसका सामना करना पड़ता है मार्केटर को, ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरह एक मैक्रो लेवल होती है, शायद आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, कि उसी तर्ज के ऊपर डेवलप्ड है। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो मैक्रो लेवल पे है, जो ह्यूज और लार्ज लेवल पे है, नेशनल से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पे है, उन तमाम चीज़ों को जो आप डिस्कस करेंगे वो मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा कहलाएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंटली आप उसको एनालाइज करेंगे और इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यस, आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, चाहे वो माइक्रो हो वो मैक्रो हो, उसको एनालाइज करने के बाद यू विल बी टॉकिंग एंड यू विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट ओवर देयर। उसको आप किस स्ट्रेटजीज के थ्रू रिस्पॉन्ड करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दोज ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसको आगे डिटेल में देखते हैं ताकि तमाम जो वजाहत है वो क्लियर हो सके। टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक्चुअली इंक्लूड्स द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड द मार्केटिंग दैट अफेक्ट द मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन द सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर्स। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है जी? वो फैक्टर्स हैं, वो एक्टर्स हैं, वो फोर्सेस हैं जो मार्केटिंग के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, जो मार्केटिंग को मैनेज करने वाले लोग हैं, उनकी एबिलिटी को असरअंदाज करती है, उनको अफेक्ट करती है टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर्स। कहने का मकसद ये है, वो तमाम अवामिल, वो फैक्टर्स जो आ गया अपकमिंग इंशाल्लाह ताला स्लाइड्स में डिस्कस हो जाएंगे, जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी मार्केटर को उसकी एबिलिटी के ऊपर कि वो किस तरह अपने कस्टमर को सक्सेसफुली हैंडल कर सके और उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा बिफोर गोइंग टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। आप अभी करंट सिनेरियो को देखें, जो आपको करंटली कोरोना की एनवायरमेंट क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पर टाइम आता है कि मार्केटर जो कोई चीज बेच रहा है, जो कि इस वक्त फिजिकली अपनी शॉप ओपन नहीं कर सकता, ऑनलाइन चैनल के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू वो कस्टमर के साथ इन टच है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कस्टमर के साथ राबता रहे और कस्टमर उसको भूले नहीं, राइट। यहाँ पर वो बात हो रही है वो आउटसाइड मार्केटिंग फैक्टर्स और फोर्सेस। इस वक्त जो फैक्टर और फोर्स है ना, वो कोरोना क्रिटिकल सिचुएशन है। उस फोर्स ने कैसे अफेक्ट किया आपकी कंपनी को रिलेशनशिप बिल्ड करने में, किसके साथ? कस्टमर में। यही चीजें एनवायरमेंट में डिस्कस होने वाली है, राइट। ये आपकी एनवायरमेंट है, ये कोरोना आपकी एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, इसने आकर आपके बिजनेसेस को रोक दिया, क्लोज करवा दिया। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ द एनवायरमेंट इज अफेक्टिव एंड एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग एंड disturbing the relationship with all of your famous and non-famous customers, right? इसको डिटेल में देखते हैं कि environment कैसे affect करती है। Micro environment की हम बात करते हैं। हमारे पास दो categories हैं। First option is the micro and second one is the macro। इसको detail drill down करते हैं हम इसको। Micro environment consists of the actors close to the company that affects its ability to serve its customers. Very important.
माइक्रो है तो क्लोज टू द कंपनी है, मतलब यह है कि कंपनी का डायरेक्ट उन लोगों के साथ रापता होता है और तमाम लोगों का डायरेक्ट कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, राइट। द कंपनी सप्लाई, आप इसको डिटेल में देखते हैं तो उन्होंने वहां पे एग्जांपल दे दी कि कौन कौन से लोग हैं जो आपके माइक्रो एनवायरमेंट का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों के लिए ये है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है माइक्रो और मैक्रो के दरमियान, ये याद रखिएगा। माइक्रो एनवायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं और मैक्रो के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है कि आप माइक्रो में क्या डिस्कस करेंगे और मैक्रो में क्या होना चाहिए, तो आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें। माइक्रो में हमारे पास कंपनी सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, कस्टमर मार्केट्स हैं, कंपैटिटर्स हैं एंड पब्लिक्स हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे ताकि तमाम जो है वजाहत आपके सामने खुलकर आ जाए। जेनेरिकली अगर हम इसको देखें, सप्लायर्स दी कंपनी, पहले जो है हमारी कंपनी, कंपनी मीन्स आपकी अपनी कंपनी, वो आपकी एनवायरमेंट है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें आपको तमाम ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लॉन्च करने का तरीका कार बताया जाता है। सेकेंडली सप्लायर्स, आपके सप्लायर जो आपको चीज बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोका कोला की तरह कोई बेवरेज कंपनी है, आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाते हैं तो उसके लिए आप पानी कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेंगे, आप शुगर खरीदेंगे, आप बोतल में उसको डालने के लिए ग्लास बॉटल्स खरीदेंगे, उसको बंद करने के लिए आप क्राउन लिड्स खरीदेंगे, ये तमाम सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई सप्लायर होगा, राइट। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब है दरमियान वाला, जो आपकी चीजें जब बन जाएंगी वो मार्केट तक पहुंचाएगा वो आपका दरमियान वाला कहलाएगा। इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, आपके सप्लायर्स भी आते हैं, आपके होलसेलर भी आते हैं जो आपसे लेकर चीजें फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएंगे। एंड कस्टमर मार्केट्स, डेफिनेटली कस्टमर मार्केट्स का मतलब ये है वो मार्केट जिसमें आपने जाकर बेचना है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट मार्केट जहाँ फ्रूट बिकता है, वेजिटेबल मार्केट जहाँ वेजिटेबल मिल्क बिकती है, यूर शूज मार्केट, यूर हॉर्स मार्केट, यूर फर्नीचर मार्केट, यूर कॉस्मेटिक्स मार्केट, हर एक मार्केट है, वो दुकान है, वो शॉप है जिसके ऊपर आपका माल बिकता है, आपकी चीज बिकती है, आपकी कस्टमर मार्केट है। सेकंड लास्ट इज द कंपैटिटर्स, यस डेफिनेटली जो आपके कंपैटिटर हैं, मिसाल के तौर पर आप चाय का कारोबार करते हैं तो आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पे और भी चाय वाले बैठे हैं, आपने कैफेटेरिया खोला हुआ है और भी कैफेटेरिया एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे लोग कौन है, ये आपके कंपैटिटर हैं, ठीक है। एंड फाइनल वन इज द पब्लिक्स, पब्लिक्स का डिटेल डाउन में हम ड्रिल डाउन करेंगे नेक्स्ट उस डिटेल में, वो अवामिल, वो अनासर, वो फैक्टर्स, वो फोर्सेज डियर स्टूडेंट्स पब्लिक कहलाती है जो कि कंपनी के कारोबार के ऊपर नजर रखती है, उनके काम पे, उनके तरीकाकार पर नजर रखती है ताकि कंपनी का काम अच्छा हो सके। फ्यूचर में इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इनको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। टॉकिंग अबाउट द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो एनवायरमेंट इज योर कंपनी, योर कंपनी, नॉट द अदर कंपनी, योर कंपनी। उसमें पहली चीज क्या है, टॉप मैनेजमेंट, यस। आप तब तक कोई चीज नहीं बना सकते और मार्केट में बेच नहीं सकते जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट आपके साथ ना हो। टॉप मैनेजमेंट रिसोर्सेज नहीं देगी, डिसीजन नहीं लेगी, आपका साथ नहीं देगी, एम्प्लॉयज कुछ नहीं बना सकते, क्लियर है जी। सेकंड, फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने शायद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स डिस्कस किए पहले। फाइनेंस, फाइनेंस में हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स आते हैं जो पैसा रिलीज करते हैं, जो तनख्वाहें देते हैं। अगर ये डिपार्टमेंट तनख्वाहें नहीं देगा एम्प्लॉयज को, ये नहीं देगा आपकी कोई चीज बनाने के लिए आपको पैसा, कोई चीज सप्लायर से खरीदने के लिए अमाउंट, कैश नहीं, बजट नहीं रिलीज करेगा तो आप परचेज नहीं कर सकते कुछ, राइट। तो ये आपका एनवायरमेंट का हिस्सा है। थर्ड, R&D, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपकी एनवायरमेंट, आपकी कंपनी का हिस्सा है। अगर आपकी कंपनी में कोई R&D एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि R&D का काम ही मार्केट के अंदर रिसर्च करना है, रिसर्च करके फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करती है और कौन सी हमें लॉन्च करनी चाहिए कुछ न्यू इनोवेटिव स्टाइल से, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बड़ी जरूरी है। फोर्थ पे हमारे पास परचेजिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट को कहते हैं। ये वो लोग होते हैं, वो अनासिर हैं जो एक रिक्वेस्ट के ऊपर किसी चीज को बनाने के लिए माल खरीदते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेक्सटाइल कंपनी है, आपने एक कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए आप कॉटन खरीदेंगे, आप थ्रेड खरीदेंगे, धागा खरीदेंगे, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है, आपने गर्ल्स की या बॉयज की कोई शर्ट्स बनानी है, ठीक है, कोई पैंट्स या ट्राउजर्स बनाने हैं तो आप उसको बनाने के लिए कोई फैब्रिक खरीदेंगे, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट जब तक नहीं होगा, परचेजिंग नहीं करेगा, आप कुछ बना नहीं सकते। फिफ्थ वन इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब है रियल टाइम प्रोडक्शन। आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपके पैसे दे दिए, परचेजिंग ने परचेज कर लिए, एंड फाइनली ऑपरेशंस का जब टाइम आया तो ऑपरेशंस के वक्त ऑपरेशंस के वक्त वो पॉसिबल ही नहीं हो सका, उन्होंने कोई चीज बनाई ही नहीं। अगर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कोई चीज बना नहीं सकता तो डेफिनेटली आप आगे सक्सेसफुली उसको बेच नहीं सकते, राइट।
फाइनल वर्ड इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मीन्स अगेन रिलेटेड टू योर फाइनेंस. अकाउंट्स का काम रिकॉर्ड मेंटेन करना, डियर स्टूडेंट्स, के कितने पैसे किस चीज को खरीदने में लगे हैं, कितनी अमाउंट किसी इंप्लाई को गई है तनख्वाह की शक्ल में, कितनी चीज मार्केटिंग में कितना पैसा लग गया है, तमाम अखराजात का जो रिकॉर्ड है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा. और ये आपकी मेजर इंपॉर्टेंट जो है ना इन्वायरमेंट का हिस्सा है. जब तक ये सक्सेसफुली आपसे ऑपरेट नहीं हो पाते, आप सक्सेसफुली बिजनेस नहीं कर सकते. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स, हमने पहले बात की, आप कुछ भी बना रहे हैं सप्लायर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट है, सप्लायर आपको प्रोडक्ट फराहम करेगा. इट प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. यस, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो सप्लायर है वो आपको सोर्स देता है. मैंने आपको एग्जांपल दी, आप फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने वाली कंपनी है तो आप जहाँ से थ्रेड खरीदेंगे, धागा खरीदेंगे कपड़ा बनाने के लिए, वो आपका सप्लायर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल आप जूता बनाने वाली कंपनी है तो जूता बनाने के लिए आपको चमड़े की जरूरत है, रैगजीन की जरूरत है, बकल्स की जरूरत है, पेट की जरूरत है, डिजाइन की जरूरत है, आप तमाम चीजें किसी न किसी से लेंगे, वो आपके सप्लायर बन जाएंगे. राइट, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अगेन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विद इन सप्लायर इज ट्रीटेड एज पार्टनर टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू. वो कहते हैं कि आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है, इसको आप क्या करें, बेहतर है कि एज अ पार्टनर ट्रीट करें इसको, इसके साथ कारोबार ना करें, आप इसको अपना पार्टनर समझें. पार्टनर समझेंगे तो इंशाल्लाह ये सप्लायर आपके साथ चलेगा, क्योंकि डेयर स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, अगर ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर आपको देने के लिए, तो आप किससे खरीदेंगे, आप क्या बनाएंगे. तो डेफिनेटली इसके साथ ताल्लुक मेंटेन करना बहुत ही अहम और जरूरी है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एनवायरनमेंट, दैट इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. जेनेरिकली मेन कॉन्सेप्ट में हमने इसको देखा, इसको डिस्कस किया कि इन इंटरमीडियरीज में हमारे पास वो लोग, वो अवामिल अनासर शामिल है जो आपकी प्रोडक्ट को लेकर फाइनल कस्टमर मार्केट तक पहुंचाते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप दही बनाते हैं, आप ऐसी चीज बनाते हैं जो पेरिशेबल है, ठीक है, आप आइसक्रीम बनाते हैं, आपने बना दी, अब आपको मार्केट तक वो पहुंचानी है. राइट, आपकी मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, या तो आप खुद पहुंचाएं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करने में इंटरमीडियरीज हेल्पफुल होंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे फाइनल मार्केट की तरफ. राइट, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. दैट इट हेल्प द कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट प्रोडक्ट टू फाइनल बायर्स. ठीक है, यही बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं आपकी प्रोडक्ट को एक कमीशन रखकर फाइनल कस्टमर तक. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप नेस्ले का मिल्क परचेज करते हैं, आप नेस्ले की दही कंज्यूम करते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. और किन्होंने पहुंचाया है, मार्केट इंटरमीडियरीज ने इनको नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से या नेस्ले कंपनी कबीरवाला से, शेखुपुरा से उठाकर मुल्तान में और पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पर प्लेस किया. राइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज ओवर देयर. राइट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनीज माइक्रो एनवायरमेंट, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट. उन्होंने इसको फर्दर इंटरमीडियरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया कि अगर इंटरमीडियरी की बात हो रही है तो वो किस किस्म की होंगे. ये हमारे पास चार एग्जांपल्स आ गए. रीसेलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. रीसेलर का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक सेलर ने आपकी दुकान से कोई प्रोडक्ट उठाई, एज इट इज उठाई, ठीक है, और अपनी शॉप के ऊपर रख दी और अगेन उसको रीसेल करना शुरू कर दिया, तो वो आपका रीसेलर कंसिडर होगा. आप सेलर हैं, आप सेलर हैं क्योंकि आप एक दफा बेच रहे हैं, आपसे जो उठा रहा है उसको दोबारा बेच रहा है, तो वो आपका रीसेलर कहलाएगा. राइट, सेकंड वन इज ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. ये रीसेलर नहीं होते डियर स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, आपकी शॉप से प्रोडक्ट को उठाएंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे उसको रखेंगे, वहां पर वो गाड़ियों को तरतीब देंगे, प्रोडक्ट को गाड़ियों में रखेंगे, उठाकर जाकर मार्केटिंग में, मार्केट में जो डिफरेंट रिटेलर्स हैं, आपकी गली मोहल्लों की दुकानें हैं, करियाना स्टोर है, बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर है, जनरल स्टोर है, वहां पर जाकर स्टूडेंट्स इनको रख देंगे, तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के तौर पे काम करेंगे. थर्ड वन इज मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट नहीं लेकर जाते, ये प्रोडक्ट ना ही लेकर जाते हैं ना सेल करते हैं, नाम से वाजे है कि दे प्रोवाइड सर्विसेज, तो ये मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये क्या करेंगे, ये मार्केट के अंदर आपको फैसिलिटेशन देंगे, सर्विस देंगे कि जी हम आपको बताते हैं कि कौन सी मार्केट अच्छी है, किस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, अगर आपने मार्केटिंग करवानी है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है, मशहूरी करवानी है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स आपको हेल्पफुल होंगे, आपकी पब्लिसिटी भी करवा के देंगे. फोर्थ वन इज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ इंटरमीडियरीज फाइनेंशियल, एज द नेम सजेस्ट, नाम से वाजे है, ना प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना सर्विस दे रहे हैं, ना रीसेलर हैं,
फाइनेंस दे रहे हैं। जैसे आके आप जानते हैं डेयर स्टूडेंट्स के बैंक से कंपनीज लोन लेती हैं। जब लोन लिया जाता है, लोन ऑब्टेन करने का मकसद ये होता है कि अपने प्रोसेसेस और बिजनेसेस को उस लोन से चलाया जाए। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंटरमीडरीज वो दरमियान वाले काम करने वाले वामिल हैं जो कंपनी को फाइनेंस देते हैं कारोबार चलाने के लिए। वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ बजट दे दिया ताकि वो अपना कारोबार चलाए, चीज़ें बनाए, उसको सेल करें, बाद में वो उन इंटरमीडरीज को पैसे लौटा देते हैं। राइट, moving towards the next component of the micro environment, that is competitors, that is almost the second last one. ठीक है, micro environment के अंदर जो second last important component है वो competitor है, हमने पहले बात की। firms must gain strategic advantage by positioning their offerings against competitors' offerings. अगर आपको याद हो dear students, तो हमने पिछले slide में पिछली आप जो आपका lecture discuss हुआ, lecture number four, उसमें हमने different discussion की with respect to your प्रीवियस चैप्टर, जिसमें हमने सेगमेंटेशन की, टारगेटिंग की, हमने फाइनल बात की पोजीशनिंग की, आप पोजीशन करें। तो यहाँ पर वो वही बात कर रहा है कि मार्केट के अंदर आपके कंपेटिटर एग्जिस्ट करते हैं। कंपेटिटर कौन होते हैं? जो मुकाबलाबाजी करते हैं। मिसाल के तौर पे केएफसी, केएफसी का कंपेटिटर मौजूद है मैकडोनल्ड की शक्ल में, बर्गर किंग की शक्ल में। ठीक है, इसी तरह पिज्जा हट है, पिज्जा हट के बहुत सारे कंपेटिटर मौजूद हैं, 14th स्ट्रीट पिज्जा मौजूद है, डोमिनोज का मौजूद है, इसी तरह और वाफिर कंपनीज हैं, हंग्रेज का है, एलसीवाई का है, डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही है। तो इन कंपेटिटर को मीट करने के लिए और इनसे कम्पीट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट अच्छा बेचने के लिए बड़ा जरूरी है कि कंपनी क्या करें, अपनी माइक्रो एनवायरमेंट में जो कंपेटिटर है इसको एनालाइज करे, आइडेंटिफाई करे, उसका बिजनेस देखे, वो कहाँ पर बैठा है, किस लेवल का है, उसको देखते हुए ये फैसला करें कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे पोजीशनिंग करनी है, कि इस तरह पोजीशन करें डेयर स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर के जो आपका कंपेटिटर करने में नाकाम रहा है। और यही वजह है, इसी के थ्रू आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं और मार्केट के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कारोबार नहीं कर सकते। और आपका बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो कंपेटिटर उसको कॉपी कर लेगा। आपने कोशिश करना है कि आपका बिजनेस अच्छा हो, उसे कोई कॉपी ना कर सके। राइट, नाउ टॉकिंग और मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अ माइक्रो एनवायरमेंट जो कंपनी के बड़े करीब है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक्स। हियर इज द पब्लिक डेयर स्टूडेंट्स। सो पब्लिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप तमाम लोगों के लिए न्यू है। राइट, तो पब्लिक को हम डिस्कस करते हैं कि पब्लिक्स एक्चुअली होती क्या है। एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द इंपैक्ट और एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, कि दो टर्मिनोलॉजीज यूज होगी, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब यह है कि रियल टाइम उनका कोई ना कोई स्टेक होता है, स्टेक मीन्स कोई मफाद। पोटेंशियल का मतलब है फ्यूचर में हो सकता है, याद रखिएगा दोनों का फर्क। एक्चुअल अभी भी है, पोटेंशियल फ्यूचर में होगा। तो इस केस में दोनों को क्या होगा, कंपैरिजन कैसे करेंगे? इन लोगों का जिनका कोई ना कोई स्टेक या मफाद होता है, वो तमाम लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने पर असरअंदाज हो सकते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, पब्लिक्स। राइट, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द लिस्ट डाउन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जांपल्स। राइट, टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पब्लिक, ठीक है, पहली पब्लिक, इसको आपने लाजमी ग्रैप करना है, अंडरस्टैंड करना है, तमाम पब्लिक की टाइप्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल पब्लिक, फाइनेंशियल पब्लिक नाम से वाजे है, वो पब्लिक। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप और मैं होंगे पब्लिक में, क्योंकि आप तो किसी कंपनी को फाइनेंस नहीं देते, आप तो किसी कंपनी को कोई लोन नहीं देते। राइट ना, तो इसमें वो लोग आएंगे जो बैंक्स का हिस्सा है, जो बैंक्स हैं, ठीक है। तो बैंक भी पब्लिक के अंदर आ सकता है। फाइनेंशियल पब्लिक के अंदर वो कंपनीज आएंगी, वो लोग आएंगे जो के इदारों को लोन देते हैं, वक्ती तौर पे काम चलाने के लिए पैसा फराहम करते हैं, जैसा कि बैंक हो गए, जैसा कि फाइनेंशियल एजेंसीज होगी, जैसा कि पीछे स्लाइड में हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज देखा। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या हो गए, आपके पैसा देने वाले, चूंकि वो आपके पब्लिक्स हो गए, तो वो अब हमारे फाइनेंशियल पब्लिक लाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा मीडिया पब्लिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया पब्लिक से मुराद कौन है, आपका मीडिया। आप देखते हैं कि जो भी कंपनी मार्केट में आती है अपना एड चलाती है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो हम टीवी हो, चाहे वो सच टीवी हो, चाहे वो आपका मरोही टीवी हो, उसके अलावा आपका एक्सप्रेस चैनल हो, कोई भी चैनल, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ये आपकी मीडिया पब्लिक है। जब तक मीडिया पब्लिक आपसे राजी नहीं होगी, आपका एड चलाने के लिए तैयार नहीं होगी, आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे? डेफिनेटली आपको डिपेंड करना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। राइट, तो थर्ड पब्लिक कौन है, गवर्नमेंट पब्लिक्स। अगेन, गवर्नमेंट भी पब्लिक का हिस्सा है। कैसे कैसे ये असरअंदाज होती है आपकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर? गवर्नमेंट टैक्स लागू करती है, आपको पता है गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है बाहर से कुछ बनाने के लिए स्टूडेंट्स, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, और किसको देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, अगर आप इतनी सेल करेंगे तो इतना टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट पब्लिक्स की आपको बात सुननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी एज अ पब्लिक के तौर पर अपीयर होती है। देन कम सिटीजन एक्शन पब्लिक। सिटीजन एक्शन पब्लिक स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जो
सिटीजन एक्शन ग्रुप की शक्ल में होते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपके एनजीओज होती है ना, उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पीपल ओवर देयर, डिफरेंट लोग वहां पे मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, वो कंपनी को फोर्स करते हैं कि आप अपने प्रोसेसेस, अपने बिजनेस ऑपरेशंस अच्छे तरीके से रखें ताकि लोग उसे डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ऐसी फर्म है जो बिस्किट बनाती है, ठीक है, वो ऐसी जगह पे खुली हुई है जिसका जो ताल्लुक है साथ वाले रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ काफी लोग रह रहे हैं। अब वो कंपनी क्या करती है, वो डेली बेसिस पे बिस्किट बनाती है जिससे शोर पैदा होता है, ऑपरेशन से फैक्ट्री चलती है ना, उससे स्मोक भी पैदा होता है, उससे अंडे के छिलके अंडे यूज एग यूज होता है, बेकिंग पाउडर यूज होता है, तो अंडे के जो छिलके हैं, जो रॉ मटेरियल वो बाहर फेंक देती है, उससे स्मेल पैदा होती है। कहने का मकसद ये कि उसके ऑपरेशन से लोग तंग हो रहे हैं, तो क्या एक ग्रुप और कम्युनिटी पैदा होगी जो उनको जाकर बताएगी कि आप अपने कारोबार को रोकें और तरीके से इसको हैंडल करें, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसका जो हिस्सा होंगे वो लोग कौन होंगे, सिटीजन एक्शन पब्लिक्स। फिर हमारे पास लोकल पब्लिक्स आते हैं। एग्जैक्टली, लोकल पब्लिक्स का मतलब ये कि लोकली आपके ग्रुप्स जो हैं, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, वो कंपनी को इन्फ्लुएंस करेंगे, सिटीजन एक्शन ग्रुप से रिलेटेड है। देन कम योर जनरल पब्लिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल पब्लिक है जेनेरिकली ओवरऑल, ओवरऑल सोसाइटी, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो पब्लिक का जो बड़ा लेवल है, जनरल पब्लिक है, वो मे भी आपके बिजनेस प्रोसेस से अफेक्ट ना हो रही हो, लेकिन उसका काम है कंपनियों को इस बात पर पाबंद करना कि वो ऐसे एक्टिविटीज करें जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो जायज हो, कीमत में भी मुनासिब हो, उससे कंज्यूम करने से लोगों को नुकसान ना हो। एंड फाइनल इज द इंटरनल पब्लिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज इंटरनल, मीन्स इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे जी, आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपकी इंटरनल पब्लिक का हिस्सा है, वो आपकी पब्लिक है एक्चुअली, आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है, वो भी एक्चुअली आपकी कंपनी के ऊपर जो डिफरेंट आपके काम करने के तरीका कार उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज, काम करने का तरीका कार अच्छा नहीं है, आप लोग आपसे डिस्टर्ब हैं, आपकी जो टाइमिंग जो फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ऐसे एरिया में काम करवा रहे हैं जहाँ लोगों की जानें महफूज नहीं है, आप उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो इट मीन्स वो इंटरनल पब्लिक आपसे खुश नहीं हुई, राइट? तो इंटरनल पब्लिक इस चीज का ऐसा है कि आप उसको खुश करें, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर एंड अप विद द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, दैट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स वी विल बी कंक्लूडिंग द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दैट चैप्टर। इसी चैप्टर के नेक्स्ट टू सेगमेंट्स हमारे अभी कंप्लीट होने वाले हैं, राइट? तो ये माइक्रो एनवायरमेंट आपने देखना है, ये दैट इज क्लोज टू द कंपनी, कंपनी कस्टमर्स, ये आपको देखना है कि ये कौन से लोग हैं, इसके अंदर क्या चीजें अवामिल शामिल हैं और ये कैसे असरअंदाज होते हैं आपकी कंपनी के प्रोसेसेस के। थैंक यू वेरी मच, दैट इज इनफ फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।